जग होगा सारा अपना, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश, लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश, लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले चले सतयुग में कलयुग की बातें छोड़े। ओम शांति। हम सब आत्माएं इस जगत की नहीं, जगत से पार परम धाम की मूल निवासी है, पर इस जगत में आकर जिसे इस जगत जैसे बन गए, इस जगत में जड़ है, पंच तत्व है, तो स्वयं को भी जड़ पंचभूतों का ये शरीर समझने लगे। परंतु अब जब बाबा ने स्मृति दिलाई है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा घर, हमारा निज धाम, वो स्वीट साइलेंस होम इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, हमारा स्वरूप इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो इस दुनिया को भूलना, दुनिया की चीजों को छोड़ना, संबंधों को तोड़ना बहुत कठिन लगता है। झूठ सहज हो गया, सत्य कठिन हो गया। इसलिए बाबा रोज हमें इस पुरानी, इस पराई दुनिया से वैराग दिलाते हैं, हमें बार बार स्वयं की, निज धाम की, निज पिता की स्मृति दिलाते हैं। आज की मुरली भी हमें बेहद का वैरागी बना रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख, 5 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने। यही है बेहद का सन्यास। प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। बुद्धि की बात है, फिर तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो, जिसे बुद्धि से समझ जाते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। गलत को नहीं लेना है, सही को लेना है, बुद्धि से काम लेते हैं। वैसे ही बुद्धि से समझ लिया कि ये दुनिया है कांटों का जंगल,
और मुझे जाना है फूलों के बगीचे में, तो अपने आप ही बुद्धि उसको छोड़ेगी और उसको पकड़ेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, सब समझ की बात है, बुद्धि की बात है। बुद्धि कहाँ है? रूह में। इसलिए रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, आधा कल्प से बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बेसमझ हो गए थे, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की हैं। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना, शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ, शांति दो। इसका मतलब ऊपर ले जाओ, शांति धाम ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो। क्यों? क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर, ऐसा नहीं याद नहीं करेंगे तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए, सजाए ना खानी पड़े ना, पाप पहले से ही खत्म कर ले। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है, सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है, गति क्या है, सदगति क्या है, यूं कहें मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, ये हम बच्चे जानते हैं। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर ये क्या है? फिर यह है दुख धाम। तुम यहां बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चे, शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है, बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। क्या तरीका है जाने का? याद करना। याद करेंगे, पावन बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे ना। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर अपवित्र आत्माएं नहीं जा सकती ना। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, जाना है पवित्र दुनिया में, है अपवित्र दुनिया में, तो क्या करना पड़ेगा ना? पावन होना पड़ेगा ना। एक भी पवित्र मनुष्य नहीं पवित्र दुनिया को, सतयुग अपवित्र दुनिया को
कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है, विकारों का राज्य आत्मा के ऊपर, तो क्या होता है, दुनिया अपवित्र हो जाती है। यह बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है, कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो वो जो समझाते हैं वो भी ट्रू है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो, द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है, चक्र घूम रहा है सबका, है ना। राम राज्य, फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, जिसमें आसुरियता है, विकार है, वो यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सुनिया को क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, चार धातुएं हैं ना, कौन सी, सोना चांदी तांबा लोहा, तो ये अलॉय पड़ी हुई है आत्मा में। सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना ही हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता है, फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में, फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। ये योग अग्नि इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जो अंतर आत्मा को संपूर्ण पवित्र सोने जैसा बना देती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर चलो चक्र लगाते हैं बुद्धि से, पहले तो तुम आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। बिल्कुल अपने आप को स्वरूप में स्थित कर लो, तुम सच्चा सोना हो। योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। इस दुनिया में जो परिवर्तन होता है, ये इन तत्वों में, आत्मा में जो परिवर्तन होता है, ये इस दुनिया में होता है। शांति धाम में तो शांति है, आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। तो दुनिया किससे बनती है, दुनिया वालों से दुनिया बनती है, और दुनिया वाले कौन, हम आत्माएं। आत्मा ने शरीर धारण किया, मनुष्य आत्मा बनी, और अनेक मनुष्य आत्माओं से दुनिया बनी। तो आत्मा यदि तमो प्रधान है तो दुनिया तमो प्रधान है, आत्मा गोल्डन एज तो दुनिया गोल्डन एज है। तो बाबा कहते हैं फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतु प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है, आत्मा सतु प्रधान है तो शरीर भी सतु प्रधान है। फिर क्या होता है, फिर पिछाड़ी में आकर, चक्र घूमता है ना, पिछाड़ी में आकर आयरन एज्ड शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज,
इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है, अब क्या करना है? इतनी सारी बात बाबा ने बता दी, एग्जैक्टली करना क्या है? पहले पहले शांति धाम में जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिंपल है, इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह गोल्डन एज में पार्ट नहीं लेते हैं बाबा, गोल्डन एज में बाबा का कोई रोल नहीं है, तो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एज्ड जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज्ड आत्मा जीव आत्मा है, नहीं, गोल्डन एज्ड जीव आत्मा, फिर सिल्वर एज्ड जीव आत्मा होती है। ये जो गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन में आती है आत्मा, वो शरीर के साथ आती है ना। बॉडी एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, अलग अलग शरीर लेती रहती है और आत्मा की क्वालिटी डाउन होती जाती है। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना है? दुख धाम का सन्यास, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। ये बुद्धि से होता है, वहां से त्याग देते हैं, हम रहते दुनिया में है पर बुद्धि से त्याग देते हैं, सोचते नहीं है उस बारे में। बुद्धि योग ऊपर रहता है, बाबा के साथ रहता है। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है, ये कांटों का जंगल है, सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। ये है कांटों की दुनिया, वह है फूलों की दुनिया। भल, वह भल सन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे सतयुग में, पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं, सन्यासी तो आते ही बाद में है ना, सन्यासी तो, सन्यास धर्म तो बहुत बाद में स्टार्ट होता है ना। तो पहले तो देवी देवताएं ही थे ना, गृहस्थ व्यवहार में थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो आते ही बाद में है, इस्लामी बौद्धी भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, बीज में सारे झाड़ का ज्ञान समाहित है। सत्य है, चैतन्य है, बाबा बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर कहेंगे, सुख का सागर कह सकते हैं, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है, जो तुमको ऐसा बनाते हैं। मास्टर हो हम, नदियां हैं हम, मास्टर हैं हम, परंतु ज्ञान सागर नहीं है। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है, सदैव वह पवित्र है और निराकार है, सिर्फ
थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं ना, सर्वव्यापी की बात नहीं है, सब जगह है वो, तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, चिल्लाना यानी बाबा को पुकारना शुरू कर देते हैं रावण राज्य में, वही आकर सुख शांति देते हैं। तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। जो सुख शांति देकर जाते हैं, तो जब उन चीजों की कमी हो जाती है तो फिर उसी को याद करते हैं ना। बाप समझाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूं, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है दे अभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। तो सबसे पहले बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। तो सबसे पहले इस देह अभिमान को ही तोड़ दो, इस मूल को ही तोड़ दो, और उसके लिए अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बनो। मैं कौन हूँ? देह की मालिक, देही। कैसी हूँ? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, यह देही अभिमानी स्थिति। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं, आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो, वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त यह शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रुकुटी में है, अकाल मूर्त का यह तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है, ये है काल जिसको खा ना सके, वो आत्मा इस भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान है। बाप ने समझाया है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है, सतयुग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही यह मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं, कितने सारे अकाल तख्त हैं, चारों ओर देखो। जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, बॉडी छोटी होती है, फिर बड़ा होता है। यह शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती, अकाल है, काल नहीं खाता। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं, एक जन्म छोड़ते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, तीसरा जन्म लेते हैं, तो अलग अलग बॉडीज मिलती हैं, यानी अलग अलग तख्त मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, पवित्र होता है ना शरीर सतु प्रधान तत्वों का, उनको कहेंगे गोल्डन एज तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कॉपर, आयरन एज तख्त मिलता है। ये क्वालिटी डाउन हो जाती है आत्मा की भी और तख्त की भी। फिर गोल्डन एज तख्त चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
तो जरूर पवित्र बनना पड़े, सारी साइकिल रिपीट हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं क्या करो, माम एकम याद करो, तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तख्त मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते, ये सारा जो सृष्टि चक्र बाबा बैठे बैठे है ना कितनी आसानी से हमें समझा देते हैं, ये किसी को नहीं पता दुनिया में। दे अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ। क्या करना है? शांति धाम को याद करना है, सुख धाम को याद करना है, और इस दुनिया को, इस दुख धाम को भूलते जाना है। इनसे वैराग्य, ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है, दूसरे तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है। हम जो बेहद का वैराग्य करते हैं, राजयोग सीखते हैं, ये तो अच्छा ही अच्छा है, परंतु उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो इस एंगल से देखें तो अच्छा है, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहां होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, इतना सारा ज्ञान बाबा ने सुनाया, मूल बात क्या है? बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते हैं, बाबा ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं सुनाया है। मनमना भव मध्याजी भव नहीं कहा है बाबा, के सिंपल अक्षर है, मुझे याद करो। बाप मनमना भव का अर्थ बताते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, सब स्थित हो जाएंगे, देह के सब धर्मों को भूलेंगे, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, फील करेंगे आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है ना। फिल्म के अंदर जो बाद में आते हैं एक्टर्स, उनका थोड़ा सा ही तो रोल होता है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं। स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे, तो थोड़ा सा टाइम होता है उनकी जिंदगी का। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू रहेगी,
जैसे जानवर मिसल ठहरे, कोई वैल्यू नहीं। तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो, झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, क्या? गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो, यही इम्पोर्टेंट बात है। घर में रहो, गृहस्थ में रहो, देह में रहो, संबंध निभाओ, बस बाबा को याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर पाप रह गए तो काटने के लिए जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर क्या बन गए? कंट्रास्ट। सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं। वह तो आते ही पीछे हैं, तो फ्रेश है ना सोल। इसीलिए पुरानी होने के कारण बुद्धि जो है उस लेवल की नहीं रहती, सेंसिबल नहीं रहती, आत्मा समझती नहीं है। उनकी बुद्धि ज्यादा स्मार्ट होती है, ज्यादा तेज होती है, पवित्र है ना, नई नई आत्माएं आई हैं। तो इसलिए बाप ने समझाया है, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्होंने भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। पहले भारत को लूट कर ले गए, अब रिटर्न सर्विस हो रही है। यहां से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुंचाते रहते हैं। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है। अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, पहचानते नहीं है, बाहर से कोई परिवर्तन तो नहीं है ना। जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है, यह बाजोली का खेल है। आत्मा कैसे सृष्टि चक्र के अंदर अलग अलग लेवल से पास होती है, ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनती है। तो ये बाजोली है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है। इजी है पर ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, ये भुला देती है। फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा,
मीठे मीठे सर्व से ए बुला गया का बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद आ रहा। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज्ड तख्त मिलेगा। दूसरा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कैसे बनेंगे सहज योगी? जब कार्मिक अकाउंट्स को समझकर अपनी स्थिति को अचल बनाएंगे। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं। पूर्व जन्मों के अनेक कर्म किए हैं तो सामने आते हैं कर्म भोगनाओं के रूप में, तो हिलो नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो उसे परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, युद्ध नहीं करो उसके साथ। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। बिल्कुल साथी बन जाओ बाबा के, साक्षी हो जाओ। बाबा को साथ लोगे ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो, इस फाउंडेशन को यूज करो। बाबा पर कितना निश्चय है, वहां पर निश्चय रखो, बाबा को साथ रखो, कुछ नहीं हो सकता। फिर तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन है डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। बाबा को कह दो ये बाबा आप देखो, सारे बोझ बाबा को दे दो। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? बुद्धि में शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और इस दुख धाम को, इस दुनिया को भूलते जाना है। बार बार बुद्धि में अपना घर याद रहे, सतयुग याद रहे, दुनिया की बातों को बिल्कुल भूलते जाओ, तो इसका अभ्यास करेंगे बार बार। अच्छा, ओम शांति।
लगने